चाचा चौधरी। जय हो माता स्वर्ण देवी की, यानी माता लक्ष्मी की। इस साल 7 दिनों बाद माता का उत्सव है, ये आप जानते हैं। और फिर उसके पश्चात मंदिर का निर्माण कार्य भी शुरू करना है, ये भी आप जानते हैं। देवी माता के उत्सव के पहले हमें क्या क्या तैयारियां करनी है, ये भी आप जानते हैं। माता के लाखों के गहने हैं जो कई लोगों ने मिलकर बनवाए हैं, ये भी आप जानते हैं। और इस साल भी उन गहनों की पॉलिश करने की जिम्मेदारी अपने देवी माता के भक्त स्वर्णकांत ज्वेलर्स को दी गई है। अरे पांडे साहब, इस मीटिंग में कुछ तो ऐसा बोलिए जो हम सब नहीं जानते हैं। अरे भाई, इस बार उन गहनों को सुनार तक ले जाने की और उसे पॉलिश कराने की जिम्मेदारी चाचा चौधरी को दी गई है। चाचा चौधरी, वो क्यों? अरे भाई, ये काम बड़े जोखिम का था, इसलिए मैंने चाचा जी से विनती की और उन्होंने मेरी बात मान ली। अरे वाह, लक्ष्मी माता उन पर जरूर प्रसन्न होकर रहेगी। जरूर, अब सब काम तो चाचा जी के निगरानी में ही हो रहा, ये तो आपको मालूम ही है। कल सुबह तक सारे गहने पॉलिश होकर चाचा जी के साथ ही आ जाएंगे। यूरे चाचा जी, थारे सारे गहने अच्छी तरह से पॉलिश करा दिए हैं, फिर भी आप एक बार चेक करो। अरे स्वर्णकांत जी, अब क्या देखना है, सारा काम तो मेरी नजरों के सामने ही हुआ है और मेरे लिए तो काला अक्षर भैंस बराबर है। क्या सोना क्या पीतल, सब एक ही है, मैं कोई सुनार थोड़ी हूँ। फिर भी चाचा जी, बताना हमारा फर्ज है। भाई आपके जैसे अगर सब लोग सोचने लग जाए तो इस देश में कभी गलत होगा ही नहीं। शुक्रिया चाचा जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अब इन गहनों को मंदिर पहुँचा कर घर जाके आराम से सोना है। चलो मैं चलता हूँ, मंदिर में लोग मेरा इंतजार कर रहे होंगे। हाँ, मैं ये सामान गाड़ी में रखवा देता हूँ। पर चाचा जी, अब तक आपकी पुलिस सिक्योरिटी नहीं आएगी। अरे भाई, मैं चला और सिक्योरिटी आई, वो रहा दरवाजा और वो रहा धूप सिंह। चले चाचा जी, हम तैयार हैं। चाचा जी, आप तो कमाल, इधर आप बोले उधर वो, ये वो। हाँ, मैं सब समझ गया, समझ गया आप क्या कहना चाहते हैं। तू खा, नाश्ता कर। हाँ, बहुत भूख लगी है ना। चाचा जी ने कहा होगा साबू घर जा, बेटा नाश्ता कर ले, और ये जनाब उड़ के पहुंच गए नाश्ता करने के लिए। हम जानते हैं सुबह से उन्होंने कुछ भी नहीं खाया होगा, हे भगवान। लेकिन तुझे क्यों चिंता होने लगी, तू नाश्ता कर, खा। इतनी बार कहा है इस उम्र में इतना काम मत किया कीजिए, लेकिन नहीं सुनेंगे नहीं, सारा काम खुद ही करना है। तू खा, तुझे भूख लगी होगी ना, तुझे किस बात की चिंता है, तू नाश्ता कर। हाँ नहीं, जब तक चाचा जी नहीं आएंगे मैं नहीं खाऊंगा। क्यों नहीं खाएगा, हम तुझे थोड़ी ना कुछ कह रहे हैं। चाचा जी को आने दीजिए ना। क्यों नहीं खाएगा, देख वैसे ही हमारा दिमाग बहुत गर्म है। ओहो, खाओ तो प्रॉब्लम, नहीं खाओ तो प्रॉब्लम, ठीक है। न जाने कितने बजे आएंगे, हे भगवान सब कुछ ठीक हो। जय माता स्वर्ण देवी, जय माता लक्ष्मी, रक्षा करना। माता स्वर्ण देवी की जय हो। लक्ष्मी माता की जय हो। स्वर्ण देवी माता की जय हो। लक्ष्मी माता की जय हो। इन गहनों को हम नीचे तहखाने में रखेंगे और उसका दरवाजा भी आपके सामने ही सील करेंगे। आइए इस तरफ। धूप सिंह, लक्ष्मी माता की जय। स्वर्ण देवी माता की जय। लक्ष्मी माता की जय। लक्ष्मी मैया की जय। माता स्वर्ण देवी की जय। लक्ष्मी मैया की जय। माता स्वर्ण देवी की जय। लक्ष्मी मैया की जय। माता स्वर्ण देवी की जय। हो गया नाश्ता तेरा, भर गया पेट, अभी के लिए तो काफी है। लगता है आ गए, जा जाकर देख। अभी देखता हूँ। जय माता।
जय माता स्वर्ण देवी। इनका इनके दिल पे काबू है, लगता है ये साबू है। हाँ साबू। चाचा जी बड़े ज्ञानी है, चाची बड़ी अभिमानी है। जाइए जाइए, जल्दी जाइए, चाची जी को बुलाइए। चाची जी। क्या हुआ साबू? माता, साक्षात देवी माता। साबू इन्हीं के गुण गाता है। कौन हो तुम दोनों? अजी ये है बंता और यह है संता। माता के दर पर कुछ मांगने आए हैं, माता के लिए कुछ लेने आए हैं। देखो तुम दोनों हमसे ठीक से बात करो, वरना धक्के मार के घर से बाहर निकाल देंगे। हाँ हम मंदिर से आए हैं जलसे के लिए चंदा इकट्ठा करने। तो ऐसा कहो ना, कविता सुना सुना के हमारा दिमाग क्यों खराब कर रहे हो? अंदर आओ। हाँ हाँ तो भाई, 3 दिनों बाद जलसा है, इसलिए देवी माता को कल से ही गहनों से सजाया जाएगा। ये बात तो आप लोग को मालूम है, पर वो दरवाजा चाचा जी की उपस्थिति में ही खोला जाएगा, ये बात आप लोग को नहीं मालूम। क्यों चाचा जी, आप आएंगे ना? थोड़ा कष्ट होगा आपको। कैसी बातें करते हैं पांडे जी, ये तो मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि आप लोगों ने मेरे पर इतना यकीन किया। जैसे अब तक सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, वैसे आगे भी चले, यही देवी माता से प्रार्थना है। अरे आप फिक्र क्यों करते हैं, सब कुछ ठीक ही होगा। हाँ हाँ, देवी माता की कृपा तो हम पर अवश्य रहेगी। चाचा जी आप जरूर आएंगे ना? अरे क्यों नहीं आऊंगा, क्यों तो सिंह जी? हाँ मुझे तो आना ही है। चलो घर चलते हैं, तुम्हारी चाची के हाथ की गर्मा गर्म चाय पियेंगे। आ जाओ। अच्छा। चलते हैं फिर आएंगे। अच्छा। चले गए दोनों। साबू जी अब हमें खाना बनाना है, देखना किसी को घर के अंदर आने मत देना, वरना हम तुम्हें खाना नहीं देंगे। ठीक है चाची जी। हाँ साबू, हमने जो कहा याद है ना? हाँ कोई भी आए मैं उसे अंदर नहीं आने दूंगा। आप लोग अंदर नहीं आ सकते। क्यों? आप लोग अंदर आएंगे तो मुझे खाना नहीं मिलेगा। थोड़ा दिमाग तो ठीक है साबू। अरे चाचा जी। तो क्या हुआ, चाची जी ने कहा है? अच्छा तभी कोई घर में आया था? हाँ चाचा जी, 2 लोग मंदिर से आए थे चंदा मांगने। बेटा साबू देखो, अगर तुम अपनी चाची की बात नहीं मानोगे तो तुम्हें 1 दिन खाना नहीं मिलेगा, और मेरी बात नहीं मानोगे तो तमाम उम्र इस घर से तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, सब कुछ बंद। क्या चाची जी? क्या हुआ? अरे आप दरवाजे पर क्यों खड़े हैं? तुमने तो कहा कि किसी को अंदर ना आने दिया जाए, नहीं साबू को खाना नहीं मिलेगा। ये आपसे किसने कहा? साबू ने और किसने? हे भगवान, इसका क्या करें हम? देखो कोई भी बात इसे आधी अधूरी मत कहा करो, समझी? क्या बात है चाचा जी, आप दोनों हंस क्यों रहे हैं? मैं कुछ समझा नहीं। अरे भाई अभी कुछ देर पहले इस घर में चंदा मांगने के लिए आए थे, तो तेरी चाची ने साबू से कह दिया कि किसी को इसके बाद घर में मत घुसने देना, नहीं तो तुझे खाना नहीं मिलेगा। ये तो मुझे ही घर में नहीं घुसने देना। अरे बेवकूफ, अगर इन्हें घर में नहीं आने दिया ना तो तुझे जिंदगी भर खाना नहीं मिलेगा, समझा? क्या बता भाई, क्या करूं, अंदर जाऊं या बाहर जाऊं? नहीं नहीं अंदर आइए, नहीं तो मैं तो भूखा मर जाऊंगा। चलिए चलिए चाचा जी। क्या बात है चाचा जी, क्या ट्यूनिंग है आप दोनों में। मतलब चाची के कहने का मतलब चाचा बता देते हैं, और चाचा ने अभी जो कहा वही बात चाची ने दोहराई, क्या बात है। अरे चाची तो मेरे दिल की बात ही समझ जाती हैं। अब देखो ना, इस वक्त मुझे चाय चाहिए, वो अभी चली जाएंगे चाय बनाने के लिए। हाँ हाँ क्यों नहीं, वैसे साबू को वक्त पर खाना नहीं मिलेगा तो क्या हुआ, साबू तो आपके लिए कुछ भी कर सकता है ना साबू? अच्छा चाचा जी। हाँ जी। कल सुबह कितने बजे आऊँ? अरे भाई जब भी मैंने सुबह बुलाया तुम्हें 7 बजे ही बुलाया है, अब तुम क्या 8 बजे आओगे क्या? 7 बजे आ जाना। ओके सर, थैंक यू। सात बजे दरवाजे पर सील भी वही होगा,
और सारे गहने सब कुछ वही होंगे, पर फिर भी ये सारे गहने हमारे होंगे। चौधरी, अपने आप को बहुत होशियार समझते हो। अब देखते हैं कि सारे गहने किसके होंगे कल सुबह 7 बजे। लक्ष्मी मैया की जय, स्वर्ण देवी माता की जय, तो खत्म हुई। चाचा जी, अब तो देवी माता को गहनों से सजाया जाएगा और बाकी सुरक्षा के लिए तोप सिंह जी तो हैं ही। आप चिंता ना करें, हम हैं ना आपके साथ। देखिए, अभी तो यहाँ लोगों का आना शुरू नहीं हुआ, लेकिन कल शाम को यहाँ इतनी भीड़ हो जाएगी कि हम लोगों को भी यहाँ खड़े रहना मुश्किल हो जाएगा। चाचा जी, जलसे में जरूर आइएगा। हाँ, पक्का आइएगा। जैसे देवी माता हम पर प्रसन्न है, वैसे आप पर भी प्रसन्न रहेंगी। लीजिए। कोई ढंग की खबर नहीं है। ओफो, आप तो हमेशा खबरें ही देखते रहते हो। हाँ, अब इस वक्त कौन आ गया? कोई खबर होगी, वो भी मंदिर से। जाओ देखो जरा। नमस्कार चाची। आइए पंडित जी। चाचा जी हैं? हाँ। आइए पांडे जी, आइए। नमस्कार चाचा जी। नमस्कार भाई, इस वक्त कैसे आना हुआ? क्या बताऊं चाचा जी, बड़ी गंभीर समस्या है। मुझे मालूम था कोई ना कोई गंभीर समस्या आएगी। क्या हुआ? ये देखिए चाचा जी, देवी माता के सारे जेवर नकली। क्या? लेकिन ये कैसे हो सकता है? बात तो हमारी भी समझ में नहीं आ रही। सारे गहने तो आपके सामने ही सुनार के पास गए और पॉलिश कराकर भी आप ही लेकर आए, फिर ये गहने नकली कैसे हो गए? ये गहने हर वक्त मंदिर में ही रहते हैं। जी नहीं, वो तो बैंक लॉकर में रहते हैं। बस हर महीने हम पुराने गहने रखकर नए सेट उठा लाते हैं। इसकी जिम्मेदारी किसकी है? रामलाल पर और श्यामलाल पर। पर चाचा जी, वो दोनों तो बहुत ही ईमानदार हैं। इतने दिनों से गहने आ जा रहे हैं पर कोई भी गहना इधर उधर नहीं हुआ। जलसा परसों है ना? जी हाँ चाचा जी, अगर जलसे के पहले किसी को भी पता चल गया कि जेवर नकली है तो मुझे तो आत्महत्या करनी पड़ेगी चाचा जी, और आपका भी नाम खराब होगा। मैं तो किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहूंगा चाचा जी। अरे नहीं पांडे जी, फिक्र करने की जरूरत नहीं है। आप मंदिर पहुंचिए, मैं आता हूँ। जी हाँ चाचा जी, पर चाचा जी मैं बच जाऊंगा ना? देखिए देवी माता पर भरोसा रखिए, अगर मेरा शक सही निकला तो कुछ ही घंटों में चोर पकड़ा जाएगा। अब आप चिंता मत कीजिए पांडे जी, इनका शक कभी गलत नहीं निकलता। धन्यवाद चाचा जी, लाइए अब मैं चलता हूँ। हाँ जी। बिनी, तुम तोप सिंह को फोन करके कह दो कि मुझे चौराहे पे मिले। अच्छा। साबो। जी चाचा जी। आ जाओ, चलना है साबो जल्दी। हाँ चाचा जी। रामलाल श्यामलाल, मार डालोगे क्या? कहाँ जा रहे हैं आप? मंदिर जा रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं, चलो हम लोग भी मंदिर जा रहे हैं, छोड़ते आपको। आइए आइए, घबराइए मत, मैं हूँ ना।
भाई तोप सिंह जी सही वक्त पर आए। भाई मुझे आप लोगों से कुछ कहना है। ये पांडे जी रोते रोते मेरे पास आए और कहने लगे कि माता जी के सारे गहने नकली हैं। गहनों की जिम्मेदारी रामलाल और श्यामलाल पर थी। पांडे जी कहते हैं कि ये गहने इन्हीं ने चुराए। अरे कुछ भी बकते हैं पांडे जी, हम भला ऐसा क्यों करेंगे? हाँ भाई आप क्यों करेंगे, साल भर तो जिम्मेदारी आप लोगों पर ही थी, आप लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं? धन्यवाद चाचा जी, जो आपने हम दोनों पर विश्वास किया। मुझे तो लगता है कि सारा काम स्वर्णकांत ज्वेलर्स का है। हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हैं श्यामलाल जी। तोप सिंह ले आओ। ये लीजिए चाचा जी। भाई स्वर्णकांत सच सच बताओ, सारे गहना तुम्हारे पास ही है ना? क्योंकि ये रामलाल और श्यामलाल तुम पर शक कर रहे हैं। क्या ये तो मुझे फंसाने की साजिश है चाचा जी, आप वहीं पर तो थे, सारा काम आपके सामने ही तो आया है। वो तो सिर्फ दो दिन के लिए, पूरे साल भर क्या करते रहे? क्यों रामलाल और श्यामलाल जी? बराबर है, हर साल गहने आप ही के पास पॉलिश होने के लिए जाते थे। रामलाल तुम मुझे फंसा रहे हो, मैं अकेला नहीं फंसूंगा, सबको लपेटे में लूंगा मैं। चाचा जी सारे गहने इनके पास हैं और जलसे के बाद ये दूसरे शहर में जाकर उनको बेचने वाले हैं। चाचा जी झूठ बोल रहा है, खुद फंस गया है इसलिए हम दोनों को फंसाना चाहता है। हाँ बिल्कुल सच कह रहे हैं। तुम सिंह गिरफ्तार कर लो इन तीनों को। ठीक है ख्याल, गिरफ्तार करो उनको। आपके पास सबूत क्या है? सबूत? अरे बेटा अभी साबू से कहकर दो थप्पड़ लगवा दूंगा ना तो सबूत के साथ साथ गहने भी निकल आएंगे। हाँ ये तो मंदिर में हो इसलिए नहीं, हड्डी पसली सब तोड़वा देता। स्वर्णकांत भाई ये नाटक मैंने जानबूझकर किया ताकि तुम्हें ये पता चल जाए कि जिनके साथ तुम काम कर रहे हो वो कितने धोखेबाज हैं। पर चाचा जी आपको ये कैसे पता चला कि यही दोनों चोर हैं? बड़ी सीधी सी बात है, इन दोनों का ज्यादा ही खुश होना और बात बात पर ये कहना कि माता जी हम पर जरूर प्रसन्न होंगी और फिर एक दूसरे को देख के हंसना, ये बात मुझे खटकी। उसके बाद गहने यहाँ से गए, पॉलिश होकर वापस आए, ये सब कुछ मेरी नजरों के सामने हुआ, फिर शक की तो कोई गुंजाइश ही नहीं थी। मतलब गहने स्वर्णकांत के पास पहुँचने से पहले ही बदले जा चुके थे। मतलब? और ये बात स्वर्णकांत अच्छी तरीके से जानता था क्योंकि स्वर्णकांत इन दोनों से मिला हुआ था। फिर मैंने तोप सिंह से कहा कि तुम स्वर्णकांत को पहले मेरे पास लाओ उसके बाद इन दोनों को। जब स्वर्णकांत मेरे पास आया तो मैंने इससे सारी बातें उगलवा ली। वाह चाचा जी मान गए आपको, लेकिन आपको कैसे पता चला कि गहने बदल चुके हैं और इन्होंने ही बदले? जब गहने देवी माता को चढ़ाने के लिए बैंक से आते थे उससे पहले ही गहने स्वर्णकांत के घर जाते थे, स्वर्णकांत उनकी तस्वीर खींचता था फिर गहने यहाँ आ जाते थे। दो तीन दिन तक माता को गहने चढ़े रहते थे, उस बीच स्वर्णकांत उन तस्वीरों को देख देख के नकली गहने बना लेता था। तीन दिन के बाद गहने फिर वापस बैंक के लिए जाते थे तो वहाँ पहुँचने से पहले गहने पहले स्वर्णकांत के पास जाता तो वहाँ गहने बदली होते थे, नकली गहने बैंक में पहुँच जाते थे। अब बताइए जब बैंक में गहने पहुँच गए तो शक कौन करेगा? वाह कमाल है, क्या प्लान है चाचा जी? आपने बिल्कुल ठीक कहा तोप सिंह जी, पर चाचा जी के दिमाग को तो देखिए कि इन्होंने इतनी आसानी से गुत्थी सुलझा दी। अगर चाचा जी गहनों की पॉलिशिंग की जिम्मेदारी ना लेते तो ये सब लोग कामयाब हो जाते। चाचा जी आपने मेरी इज्जत बचा ली वरना मैं तो बर्बाद हो जाता चाचा जी। अरे पांडे जी चलिए कुछ नहीं हुआ, सब माता जी की कृपा है। चलो साबू घर चलते। चाचा जी आपकी इतनी सारी बातों को सुनकर मेरी अकल पॉलिश हो गई। सच कह रहा तू? हाँ बिल्कुल सही भाई, दुनिया में सब कुछ हो सकता है, तेरी अकल पॉलिश नहीं हो सकती।